दिस इज ऑल्सो अ पीस ऑफ आर्ट. ये क्या, किस तरीके का, क्या चीज़ है? पेपर कटिंग आर्ट. तो दिस इज पेपर कटिंग आर्ट. वहाँ पे पेपर को कट करके इन्होंने कुछ शेप्स वगैरह बनाई हैं, कुछ आकृतियाँ बनाई हैं. मेरा नाम साक्षी है, मैं भादरगढ़ हरियाणा से हूँ. okay, और ये पेपर कटिंग सांझी आर्ट का क्राफ्ट है जी. और इसमें जो भी डिज़ाइंस होते हैं ये सब सीजर से, पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और उसके बाद सीजर से कट होता है और ये फिर उसके बाद रेडी होता है. ये सीजर से तो नहीं है मेरे ख्याल से, ब्लेड से कटिंग? नहीं, ये सीजर से कट किया हुआ है. बस दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ये सीजर से इतनी फाइन कटिंग, इट इज डन फ्रॉम द सीजर. मैं तो सोच रहा था कि ये ब्लेड से कटिंग हुआ होगा, लेकिन ये सीजर से कटिंग है. आई डोंट नो किस तरीके से होता है कट, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी इनोवेटिव एंड दिस इज अनबिलीवेबल थिंग. मतलब सीजर से कटिंग, ओके, शी कैन गिव अस अ डेमो ऑफ अ सीजर कटिंग. वेरी गुड. आप ये शो करें, ये दीज आर डिज़ाइंस और उसको सीजर से किस तरीके से फाइन कट किया जाता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. शी इज कटिंग दिस पेपर फ्रॉम द सीजर ओनली. वाओ, सब ऐसे ही रेडी हो जाएगा. तो ये पूरा एक पेज है जहाँ पे डेमो के लिए रखा गया है, तो ये ऑलरेडी कटेड है और इन्होंने कट करके भी दिखाया. और इसका फिनिश्ड जो डिज़ाइन, इसका जो फिनिश डिज़ाइन है वो यहाँ पे डिस्प्ले में लगा हुआ है सबसे कॉर्नर. ओके 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 ओके. तो दिस इज द सेम डिज़ाइन विच इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड और ये डेमो के लिए है और ये फिनिश डिज़ाइन है. तो इट्स वेरी गुड थिंग, वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव और वेरी अन माइंड ब्लोइंग चीज़ की ये है. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस क्रिएटिव थिंग. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.